ये कहानी है आप ही के राज्य उत्तर प्रदेश के एक गांव की, जो हमारे और आपके सभी के जीवन को छूती है और एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर इस कहानी की घटनाएं आपके हृदय को छू गईं और आपने सही समय पर सही निर्णय लेने का निश्चय कर लिया, तो हो सकता है कि हम और आप एक सुखी परिवार बनाने में सफल हो सकें। अब आप लोग प्रसव की तैयारी के संबंध में जान गए हैं। अब हम लोग आपात स्थिति की चर्चा करेंगे। ये फ्लैश कार्ड है, आप लोग इन्हें देखिए, पढ़िए और दोहराइए। अरे गंगा दाई, आज कैसे रास्ता भूल गई? क्यों शर्मिंदा करते हो डॉक्टर साहब? देवकी की जान क्या गई? गांव वालों ने तो हमसे जच्चगी कराना ही बंद कर दिया। हमारे तो रोजी रोटी के लाले पड़ गए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब हमारे गांव में कोई देवकी नहीं मरेगी, नहीं मरेगी। पर गंगा दाई, ऐसी कौन सी व्यथा है जिसने तुमको हिलाकर रख दिया? हाँ डॉक्टर साहब, बड़ी दुख भरी कहानी है। अल्लड़ सी देवकी गांव में ब्याह कर आई थी। सब राजी खुशी थे। चार महीने बाद। अरे जमुना, दीनू कोई है? अरे छोटी बहू, बड़ी बहू कहाँ गए सब? क्या हुआ तुझे, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे क्यों पड़ी है? काय लागे बुआ? खुश रह, खुश रह। बाबूजी और तीनों भैया खेत पर गए हैं। अम्मा पिसेसर की दुकान से सौदा लेने गई हैं और भाभी बच्चों के साथ नहर के पास वाले मामा जी के यहाँ गई हैं। आज सुबह से जी पता नहीं कैसा कैसा हो रहा है, मारे कमजोरी के उठाई नहीं जा रहा। कल रात कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया? ना बुआ, सारा खाना ताजा था। तुम तो जानती ही हो अम्मा कुछ भी बासी खाने नहीं देती। अच्छा एक बात बता, तेरा महीना तो ठीक चल रहा है? ना बुआ, अब की बार थोड़ी देर हो गई, शायद कमजोरी की वजह से। मेरे रंगों को भी कैसी नासमझ जरूर मिली है, तू तो बच्ची है। मैं गंगा दाई को बुला लाती हूँ। क्या हुआ बुआ, कोई डरने की बात तो नहीं? अरे पगली, रघु बाप बनने वाला है और दीनू फिर से दादा। मैं ही तेरे लिए नींबू का शरबत बना के लाती हूँ। रहने दो बुआ, क्यों तकलीफ करती हो, मैं उठती हूँ अभी। उफ, कितनी धूप है और ये विशेषर की दुकान से सौदा लेना भी एक आफत है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों पड़ी है? ले, मिल गई फुर्सत डगर डगर घूमने से? पाए लगी जीजी, मैं जरा सौदा लेने गई थी, बहुत भीड़ थी। सौदा देख रही हूँ। अरे घर की भी कुछ फिकर है, ऐसा क्या हो गया जीजी? देखती नहीं देवकी की हालत? अरे खुशखबरी है। अरे तू दादी बनने वाली है, थाली बजाने का मौका आ गया। सच जीजी? हाँ। अरे बहू उठ मत, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे जमुना तेरे बाल पक गए लेकिन तू रह गई बेवकूफ। अच्छा मैं चलती हूँ, दीनू को और लड़कों को खबर सुनाया हूँ।
तुम बड़ी छुपी रिश्ता निकली, मुझे बताया था नहीं। अब तो आप बाप बनने वाले हैं लाला जी, अब तो बचपना छोड़ दीजिए। बचपना छोड़ देंगे बचपना, लेकिन बच्चों के साथ ही छोड़ेंगे बचपना। चलो हमारे साथ चलो। आप क्योरी, तेरा चेहरा क्या मुरझा गया? तुझे तो खुश होना चाहिए, किसी ने कुछ कहा है क्या? ना बुआ ना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सोच कर डर लगता है, सब ठीक ठाक हो जाएगा ना। अब तुम कोई पहली तो हो नहीं देवरानी जी, तुम माँ बनने जा रही हो। अरे ये दो बच्चे खेल रहे हैं, ये भी इसी घर में जन्मे हैं, बोला मुझे क्या हुआ? क्यों माँ ठीक कह रहा है ना, और फिर गंगा दाई है तो डर काहे का? गांव में मेरी भाभी कहती हैं कि औरत को ऐसी हालत में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस नए जमाने के नखरों से तो भगवान बचाए। अरे मेरे भी तो चार बच्चे हुए थे, और फिर तेरी सास भी कोई निपुती नहीं है, हम कभी अस्पताल गए क्या? जी बहुत घबराता है, घर में कोई डॉक्टर को भी नहीं दिखाता क्या आप? देख देवकी, बड़ों के रहते हुए मेरा बोलना क्या ठीक लगेगा? सब लोग क्या कहेंगे? बड़े भाई के दो बच्चे हुए, उसने कुछ नहीं कहा, और ये आ गए लुगाई का पैरवी करने। अरे तो खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते अम्मा जी। अरे देवकी, तुम्हारी भाभी आई है। अरे देवकी, तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? और तेरे चेहरे पे तो इतनी सूजन भी है। तुम्हारे गांव में कोई चेंज नर्स या ANM तो होगी ना, उसे दिखाकर एक बार बात जरूर कर ले। और हाँ, पैसे का इंतजाम पहले से किए रखना। अम्मा जी, देवकी हमारी लाडली नराज है, तो सोचा इसे चलकर देखा हूँ, इसका चौथा महीना भी चल रहा है। तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी लाडली है देवकी, उसे प्यार हम भी कम नहीं करते, लेकिन तुम्हारी तरह दो अक्षर कहाँ पढ़े हैं, सो हमें इतनी अकल कहाँ? बड़ी बहू के दो बच्चे इसी घर में हुए, किसी को कोई कमी नजर ना आई। लेकिन माँ जी, देवकी का रंग थोड़ा फीका हो चला था, शरीर में कुछ सूजन भी थी, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, और ऊपर से काम का बोझ। बुआ, पेट में दर्द सा रहता है, आज कुछ मैला भी, अगर नर्स दीदी या ANM बहन जी को दिखा देते तो उनकी राय मिल जाती। गंगा राय को बुला लाऊं? अरे इतना तजुर्बा तो तेरी नर्स दीदी और ANM बहन जी को नहीं होगा, बरसों पहले उन्होंने तेरे नेम ली थी, और फिर ये तो गंगा राय का रोज का गांव है। अच्छा तो मैं जाते जाते गंगा राय को भेज दूंगी। अरे ठीक से ले, ऐसे कर, देखने में ठीक है, छठा महीना है, बच्चा घूमता होगा तो ना समझ को दर्द लगता है। घबराती क्यों है, मैं हूं तो सब देख लूंगी, फिकर मत कर। वैसे PHC वाले डॉक्टर साहब को दिखा देती तो उनकी भी राय मिल जाती। तुम लोग नए जमाने की ठहरी, मैंने बाल धूप में सफेद किए हैं। नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है,
अगर कोई दिक्कत की बात होगी तो पहले से तैयारी हो जाएगी। यमुना तू ही समझा अपनी बहुरिया को। देवकी तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे हम पर विश्वास नहीं? तुम्हारे गांव में कोई ट्रेंड नर्स या ANM तो होगी ना? उसे दिखाकर एक बार बात कर लेना तू। और हाँ, पैसे का इंतजाम किए रहना। चाचा की चिट्ठी आई है, 2 दिन बाद गीता का ब्याह है। भाई वो लोग तो हर मौके पर पूरे परिवार के साथ हमारे यहाँ आते रहे हैं, इस बार हमारी बारी है। और बड़ा वाला तो अपने ससुर को देखने गया है। मैं सोचता हूँ रघु और सूरज को ही भेज दूँ। देखो ऐसा है, कल निकलना है। हाँ न जाने क्यों मन बड़ा अजीब अजीब सा रहता है। आप रुक जाते, छोटे भैया तो जा ही रहे हैं। मन तो मेरा भी यही है, लेकिन सब लोग कहेंगे क्या? चोरू का गुलाम बीबी का पल्लू थमे बैठा है। फिकर ना कर, यहाँ बाबूजी, माँ, गंगादाई सब लोग तो यही हैं। नाहक मन छोटा करती हो। कैसा सूना हो गया, संजोग देखो सारे एक साथ चले गए। अरे क्या हुआ? अरे संभल कर उठा बैठा कर। अम्मा पेट में दर्द हो रहा है, लगता है खून भी आ रहा है। अरे अभी तो 8वां पूरा हुआ है, तू डर मत। अम्मा बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है। अच्छा तू चलकर पलंग पर ले, मैं गंगा दाई को बुलवाती हूँ। अम्मा संभाल, अम्मा बहुत दर्द हो रही है। आए गंगा दाई को बुलवा लो, बहू के दर्द उठ रहे हैं। अच्छा अरे भाई गंगा दाई तो कल फिसल का गिर पड़ी, उसके पैर की हड्डी टूट गई है, वो नहीं आ पाएगी। अरे तो मैं अकेली क्या करूं, बड़ी जीजी को बुलवा लो। अरे मैं तो तुझसे ही मिलने आ रही हूँ। क्या हुआ? अरे दीनू, किसी नर्स एना बहन या पास के गांव से दाई माँ को बुला ले। इन बूढ़े कानों ने इससे पहले भी कई औरतों की ऐसी दर्द भरी चीखें सुनी थी, पर इसका दर्द तो वैसा नहीं लगता। रघु की माँ, नर्स दीदी तो पास है गांव में गई है टीका लगाने, मैंने दाई माँ को खबर कर दी, वो आती होंगी।
अरे इसकी हालत तो और नाजुक हो गई है। पास के गांव में प्राइवेट डॉक्टर है, इसे फौरन उनके पास ले चलो। अरे सुनो, मनिया से सवारी का इंतजाम कर लेना, देवकी को अस्पताल ले जाना है। और मनिया की सवारी अक्सर शहर जाती है, ना मिले तो चौधरी के हाथ जोड़ लेना। अरे वो चौधरी पाई पाई गिनने वाला है, बिना पैसे लिए कुछ नहीं करने वाला। अरे भाई पैसे तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, रघु और सूरज शादी में जा रहे थे, सो उन्हें अपनी ओर से कुछ देना था तो मैंने उन्हें दे दिए। इस खर्च के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हुआ काका, बहुत परेशान लग रहे हो? छोटी बहू की हालत अचानक बिगड़ गई है, उसे शहर लेकर जाना है। अगर तू अपनी गाड़ी दे देते। काका का बताइए, अगर पहले से मालूम होता है तो हम गाड़ी शहर में भेजे। अब आपका हुक्म कब टाला है का? अरे मनिया, तुमने सारा सामान गाड़ी से शहर पहुंचा दिया? हाँ। चौधरी काका, छोटी बहू की हालत बहुत खराब है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। बनिया की गाड़ी शहर गई है, अगर आप अपनी गाड़ी दे देते तो बड़ी कृपा होती। हाँ क्यों नहीं, आखिर गांव की बहू का मामला है, जा ले जा। धन्यवाद। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देव की भी बेहोश पड़ी है, बच्चा भी हिल नहीं रहा, जाने क्या होगा। काकी हम तो भगवान का ही आसरा है। यहाँ खून चढ़ाने की सुविधा नहीं है, इसे फौरन शहर के अस्पताल ले जाओ। ये मैंने कुछ दवाएं लिखी हैं, इनका तुरंत इंतजाम करिए, लाने में बहुत देर कर दी। खून का भी इंतजाम कर लीजिए। आप लोगों ने बहुत देर कर दी, मैं आपकी बहू को बचा नहीं सकी। बच्चा बहुत कमजोर है, इसे जल्दी से बड़े अस्पताल ले जाओ। ईश्वर की यही मर्जी थी। ईश्वर की नहीं, सब इस अन्याय के भागीदार हैं। देवकी की गर्भावस्था में उसकी डॉक्टर जांच नहीं कराई, मैंने बताया भी था। पैसे और सवारी का भी इंतजाम पहले से नहीं था। हाँ तो आप दाई अम्मा को ये तक नहीं पता था कि ऐसी हालत में देवकी को कहाँ लेके जाएंगे। पैसा ना होने की वजह से भी इलाज में देरी हुई है। मेरी लाडली ननद देवकी तो नहीं रही, पर आज भी देवकी जैसी दुनिया में न जाने कितनी देवकियां हैं, जिनके जीवन की रक्षा करना अब हमारे हाथ में है।
हमारे हाथ में है। सूरज की पत्नी के साथ ऐसा ना हो, इस बात का आप लोग भविष्य में जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं, हम वहां वैसा नहीं होगा, हम और देर नहीं। डॉक्टर साहब, हमारी सीता नासमझी ने देवकी को मौत के मुंह में धकेल दिया। इसीलिए अब और देर नहीं। देवकी की कहानी दोबारा ना दोहराई जाए, इसीलिए आप सभी से कहना है कि कुछ जरूरी बातें प्रसव पूर्व सावधानियों के लिए आवश्यक हैं, उन्हें अवश्य याद रखें और वक्त जरूरत पर उनका अनुसरण करें। आपातकालीन स्थिति के लिए पैसे की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, गर्भवती महिला टिटनेस टॉक्साइड यानी टीटी के दो टीके अवश्य लगवाएं, आयरन की 100 गोलियां अवश्य खाएं, पूरे प्रसव काल में 3 बार डॉक्टरी जांच अवश्य कराएं, प्रसव ANM नर्स डॉक्टर से करवाएं, गांव की प्रशिक्षित दाई के ही संपर्क में रहें। गर्भ माँ है स्वस्थ तो बच्चा भी स्वस्थ, स्वस्थ माँ का परिवार भी स्वस्थ।